कितने दिन में वीर्य की भरपाई की जा सकती है? क्या खाने से आदमी के शरीर में तेजी से वीर्य बढ़ने लगता है? कौन सा वर्कआउट करने से टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा बनेगा? बॉडी को हेल्दी रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये सब कुछ हम लोग जानेंगे आज की इस ब्रह्मचर्य Q&A वीडियो में। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या खाने से वीर्य तेजी से बढ़ता है? देखो, अगर आप हर दिन 2 चम्मच देसी घी खाते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है वीर्य बढ़ाने का। एक और खास चीज़ है जिसको अगर आप रोज कर पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह 6:30 से 7:30 तक अगर आप रोज धूप सेकते हैं तो आपको इससे अच्छा खासा विटामिन डी मिल जाएगा, और यही वो विटामिन है जो वीर्य बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है कि कौन सा वर्कआउट टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है? देखो, जिस एक्सरसाइज को करते हुए ज़्यादा मसल मास यूज़ होगा, जैसे कि स्क्वाट, डेडलिफ्ट, पुलअप और पुशअप्स, बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप घर पर ही स्प्रिंट लगाओ या फिर स्क्वाट्स लगाओ तो उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। इसके बाद किसी ने पूछा है कि बॉडी को लंबे समय तक हेल्दी रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो, बॉडी तभी हेल्दी रह सकती है जब ज़िंदगी में एक संतुलन है। खाना खाने से लेकर वर्कआउट करने तक हर चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए, फिर आप लंबे समय तक फिट रह सकेंगे। अगला सवाल है कि क्या नाइटफॉल से इंसान कमज़ोर हो सकता है? देखो, अगर महीने में एक बार होता है तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हर दूसरे या तीसरे दिन नाइटफॉल होने लगे तो इसका असर शरीर के साथ साथ मन पे भी हो सकता है। अगला सवाल है कि वीर्यवान कैसे बने, उस शक्ति को दोबारा कैसे हासिल करें जो हम खो चुके हैं? देखो, वीर्य बढ़ाने के लिए आपको एक वीर्यवान आदमी जैसा जीना होगा। मिनिमम 8 से 10 महीने का खुद को अगर आप टाइम देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जितने भी ब्रह्मचारी और पहलवान हुए उन सब में एक बात कॉमन थी, वो रोज सुबह जल्दी उठकर सिर्फ शरीर ही नहीं अपने दिमाग को भी मजबूत करने के लिए योग और प्राणायाम करते थे। सोचो, सुबह की ताजी हवा में अगर आप रोज प्राणायाम करो तो आपको कितना फायदा होगा। यह आपके लंग्स यानी फेफड़ों को मजबूत करता है, और जिस इंसान का फेफड़ा मजबूत हो जाता है उसको थकाना बहुत मुश्किल है। रोज प्राणायाम और ध्यान करने से हम अपने इंद्रियों को वश में रख सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है वीर्यवान बनने के लिए, क्योंकि जिस इंसान की इंद्रियां उस पर हावी हो जाती हैं फिर वो इंसान फंस जाता है। ऐसे में जरा सा फास्ट फूड देख लोगे तो खाने का मन कर जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य से खुद के पूरे शरीर को एक नया डायरेक्शन देना है, ताकि हम हर दिन एक बेहतर इंसान बनते चले जाएं। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मार्च का महीना खत्म होने पर हम सबका इस महीने का ब्रह्मचर्य अटेंडेंस कंप्लीट होगा, इसलिए हमारे साथ जुड़िए, पूरा साल ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जिन्होंने अश्लील वीडियोज़ देखकर खुद को कमज़ोर किया है, ताकि उनकी भी मदद हो सके।